12 और 13 तारीख को राजस्थान दौरे के लिए हम लोग तैयारी के सिलसिले में आए हैं और राजस्थान के हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं और सब लोगों की कोशिश है कि राहुल जी का यह दौरा ऐतिहासिक और इसलिए सब लोग ये चाह रहे हैं कि यह दौरा ऐतिहासिक हो क्योंकि विषय भी ऐतिहासिक है। जो तीन काले कानून केंद्र सरकार ने किसान विरोधी काले कानून लेकर के आए हैं उसके विरोध में पूरे देश भर में किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश भर के अंदर सैकड़ों किसानों की जानें चली गई हैं लेकिन इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं। राहुल जी वही नेता हैं जिन्होंने किसानों के लिए चाहे भट्टा परसोल की माध्यम से वहाँ पर से लड़ाई शुरुआत करी, चाहे किसानों के ज़मीन का कानून बनाया उसकी लड़ाई लड़ी, चाहे ऑर्डिनेंस 2014 दिसंबर के अंदर यह सरकार लेकर के आ रही थी उस कानून को, ज़मीन हक के कानून को ख़त्म करने की उसकी लड़ाई लड़ी, और अब तीन काले कानून जो ये सरकार लेकर के आई है इसके खिलाफ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो इसलिए कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और राहुल जी की यह यात्रा 12 और 13 तारीख की कांग्रेस पार्टी की इस लड़ाई के अंदर सभी कांग्रेस के लोग मिल करके लड़ेंगे और इस सरकार केंद्र सरकार को हर हालत के अंदर यह काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर लगातार कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और जो बिल है उसमें अमेंडमेंट के लिए भी तैयार हैं। देखिए किसान ये कह रहे हैं कि ये कानून वापस लिया जाए जी, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि इस कानून के ऊपर डिस्कशन ही क्यों नहीं हुआ जी। जब पार्लियामेंट के अंदर जब ये बिल लेकर के आया गया पूरे के पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा कि राज्यसभा के अंदर लोग डिवीजन मांग रहे थे जी। हमारे एमपीज कह रहे थे कि इसके ऊपर खड़े होकर के वोटिंग होनी चाहिए, हाथ खड़े होकर के वोटिंग होनी चाहिए, वॉइस वोट से पास नहीं होना चाहिए और ये पार्लियामेंट का कायदा होता है जो कि उस वक्त सरकार ने नहीं माना। ये पार्लियामेंट के अंदर मुख्य जितने इतने महत्वपूर्ण कानून होते हैं उसका कायदा होता है कि पार्लियामेंट से पहले लाने से पहले स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कशंस होते हैं। हर कानून के अंदर ये डिस्कशन होता है तो इन कानूनों में क्यों नहीं डिस्कशन हुआ, तो सरकार किस बातों से डर रही है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जो कानून लाया ही गलत तरीके से गया है तो उस कानून को वापस लेकर के सही तरीके से आप उसको डिस्कशन करिए। इस पे किसान भी राजी, सभी के सभी विपक्षी पार्टियां भी राजी, पूरा का पूरा देश राजी। तो सिर्फ चंद अपने मित्र पूंजीपतियों को राजी रखने के लिए पूरे देश को ये आग में क्यों झुलसा रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा, आज हम लोग उनसे ये पूछना चाहते हैं।